बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम करता हूँ आपको मिस्टर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है इंजीनियर जुनेद जावेद और आप देख रहे हैं मिस्टर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको फ्यूचर में कौन कौन से स्किल्स चाहिए होंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बी टेक के स्टूडेंट हैं या डी ए ई के स्टूडेंट हैं या बैचलर बी एस सी के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो फ्यूचर में आप लोगों को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर दिस पेंडेमिक जो है वो किस तरीके से होने वाली है और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वर्क्स हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग जो फील्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब पेंडेमिक के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के जो बजट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट के जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे डेवलपमेंट के उसमें बहुत ज़्यादा इंतहाई कमी आएगी। तो ओवरऑल जो जॉब की पोजिशन बनेगी सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कम होगी, घटेगी। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे तो आपको ये फील्ड अब छोड़ देनी चाहिए या इस फील्ड में आगे क्या होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर के ट्रेंड्स के मुताबिक चले और फ्यूचर के मुताबिक अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में काम किया तब आप इस फील्ड के अंदर चल पाएंगे। इस चैनल के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई है सर्वे के बारे में। आप लोगों को पता होगा ना, बाकी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी है सर्वे के बारे में, आसान सी वीडियोज़ हैं। सर्वे एक मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन सर्वे सबसे ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट भी है, आप जिस भी सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहेंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग की एक फील्ड तो नहीं, अगर आप डिग्री कर लेते हैं, आपने बीटेक कर लिया, आपने बीएस कर लिया, आपने डीई कर लिया, आपने कोई भी जो है डिप्लोमा या किसी भी किस्म की डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो आप मुख्तलिफ फील्ड के अंदर जा सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर आप फील्ड के ऊपर जाके काम करेंगे, आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, आप प्लानिंग में जा सकते हैं, आप क्वान्टिटी में जा सकते हैं, आप बेसिक सर्वे की फील्ड में आ सकते हैं, आप प्लानिंग की फील्ड के अंदर आ सकते हैं और आप टीचिंग की फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। मुख्तलिफ आगे ब्रांचेज हैं सिविल इंजीनियरिंग की। फिर आगे और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, आप स्ट्रक्चर के अंदर आना चाहते हैं, आप स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर जाना चाहते हैं, आप वाटर रिसोर्सेज के अंदर आना चाहते हैं, आप इरीगेशन के अंदर आना चाहते हैं, आप जो है फोटोग्रामेट्री के अंदर आना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं, अर्थक्वेक के अंदर आना चाहते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक फील्ड है जिसके अंदर मैंने एमएससी की हुई है उसके अंदर आप आना चाहते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है, तो पहले आपने ये डिसाइड करना है। और आगे फ्यूचर में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए कि फ्यूचर के अंदर हम जितने भी स्किल देखें स्किल ना तो आप सीख लेंगे, डिग्री तो आप कर लेंगे, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लेकर आ गए, लेकिन आपके पास अब स्किल कौन कौन से हैं, अपनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं आगे सिविल इंजीनियरिंग की, आपका स्किल किस चीज़ में डेवलप हुआ है। जॉब आपको उसी चीज़ में मिलेगी जिसमें आपका स्किल होगा। जब ओवरऑल जॉब्स कम होंगी तो उन्हीं बंदे को सिर्फ आगे जॉब मिलने वाली है जिसके पास पर्टिकुलरली स्किल होगा। और फ्यूचर के कौन कौन से स्किल्स होने वाले हैं, फ्यूचर के जो स्किल्स होंगे वो ओनली एंड ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे। डिज़ाइनिंग में जाना है, प्लानिंग में जाना है, क्वांटिटी में जाना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर फील्ड में जाना है, टीचिंग के अंदर आपने आना है, सर्वे के अंदर आपने आना है, डिज़ाइंस के अंदर आपने आना है, आपने आगे रिसर्च बेस्ड वर्क अर्थक्वेक के अंदर जाना है, किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी। कोई भी सॉफ्टवेयर है, ड्राफ्टिंग के अंदर जा रहे हैं तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, रोड के अंदर आ रहे हैं रोड के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लानिंग के अंदर आ रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, मैनेजिंग के अंदर आ रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, डिज़ाइनिंग के अंदर आ रहे हैं बिम टूल्स हैं। टूल्स अगर आपने नहीं सीखे, सॉफ्टवेयर्स आपने नहीं सीखे तो आपका आगे कोई फ्यूचर होने वाला नहीं है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में आगे जाना है, आगे जॉब्स लेनी है, तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। सॉफ्टवेयर सीखो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, पहले तो ये डिसाइड करो कि मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है, मैंने अपनी फील्ड कौन सी सेलेक्ट करनी है। देखिए चीज़ें आप सीख लेंगे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब के चैनल्स हैं, भरा हुआ है यूट्यूब जो है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी टॉपिक सीखना जाके सीख लो, लेकिन स्किल कौन सा एक्वायर करना है और आगे डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है और आपने फ्यूचर में किस तरीके से जाना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे हालात टाइट आएंगे लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आपने अपनी तैयारी पूरी रखी, अगर आपने कमांड और स्किल अपना मजबूत रखा, तब आप उसमें भी सर्वाइव कर पाएंगे। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप विद सिविल इंजीनियरिंग भी आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती, अगर आप जॉब नहीं करते तो आप अपना छोटी सी कंपनी किस तरह खोल सकते हैं। बड़ी कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे काम करके भी आप किस तरह पैसा कमा सकते हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से सिविल इंजीनियरिंग से किस तरीके से पैसा कमाएंगे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को, इस तो नहीं अगले आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी आप लोगों को बताऊंगा। तो घबराने की यहाँ पर बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो स्किल्स सीखते नहीं हैं, वो जो है फिर उनका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कहते हैं हम अब क्या करें,
तो अब आपने करना क्या, आपने करना सिर्फ ये है, इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप पे यकीन करना है कि मैं कर सकता हूँ। अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। दूसरे नंबर पे किस फील्ड के अंदर, वाटर के अंदर जाना चाहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आना चाहते हैं, इरीगेशन साइड पर आना चाहते हैं, स्ट्रक्चर की साइड पर आना चाहते हैं, रोड की साइड पर जाना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग में जाना चाहते हैं, प्लानिंग में जाना चाहते हैं, किस में जाना चाहते हैं, डिसाइड कर लो, लिख लो अपने पास। उस फील्ड के अंदर फिर जो फ्यूचर के सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, जो भी फ्यूचर सॉफ्टवेयर हैं उस फील्ड का, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने चैंपियन बनना है। वो सॉफ्टवेयर आपने पूरा सीखना है, कहीं से भी सीखो, यूट्यूब पे फ्री पढ़े में जाके फ्री क्यों नहीं सीखते हो, फिर कहते हो यार हमें कुछ मिल नहीं रहा। फ्री सीखो सॉफ्टवेयर्स और उसके बाद उस पर्टिकुलरली फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगले आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स क्या होंगे। अगर हमें जॉब नहीं मिल रही तो हम अपना छोटा सा बिल्कुल ज़ीरो डॉलर के ऊपर, ज़ीरो रुपीज़ के ऊपर हम अपनी कंपनी को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप किस तरह कर सकते हैं। मैं खुद जो हूँ मुख्तलिफ स्टार्टअप की कंपनी में हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग में तो हूँ लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एज अ होल फुल टाइम इसके अंदर अब मैं जॉब नहीं कर रहा, फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैं काम नहीं कर रहा। मेरा काम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप सोलो प्रेन्योरशिप के ऊपर है। छोटी छोटी कंपनीज हैं, छोटे छोटे हमारे काम होते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और डिफरेंट फील्ड से भी रिलेटेड, लेकिन अब मैंने जो है बिजनेस का मेरा माइंड सेट था तो मैंने बिजनेस को इस सिविल इंजीनियरिंग में भी छोटा छोटा इन्वॉल्व करके हमने उसमें बहुत प्रॉफिटेबल छोटी छोटी कंपनीज बनाई हैं। बड़ी कंपनीज बड़े रेवेन्यू लाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने की जरूरत नहीं है, एक दो बंदों से भी आप छोटे से अपने दोस्त यारों से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आप हैं, वीडियोस देख रहे हैं छोटे सोलो एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल से लेके आप कर सकते हैं। अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को फायदा हुआ इस वीडियो से, इस तरह की आप और वीडियोस चाहते हो, सीखना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग को और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अपने बिजनेस के अंदर और जॉब्स किस तरह लेंगे, ये सारी बातें इस चैनल के ऊपर आपको आगे जो है इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।